हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी को मेरी तरफ से। और बताएं कैसे हैं आप? मैं यहाँ ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह महाबलेश्वर की तरफ जा रहे होंगे। चलिए तो फिर ले चलते हैं आपको महाबलेश्वर। मुंबई से महाबलेश्वर की दूरी है 263 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे बस, कार, टैक्सी और नॉन एसी बस में जाया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत ही इजी अवेलेबल है। और जो आपको फ़्लाइट से जाना है तो मुंबई से पुणे जा सकते हैं, और पुणे से आप वहाँ से टैक्सी करके भी जा सकते हैं, बसेस भी चलती हैं। पुणे से 120 किलोमीटर दूर है महाबलेश्वर। पहले पंचगनी आता है, उसके बाद में महाबलेश्वर आता है। तो महाबलेश्वर पहुँच के आप सबसे पहले मार्केट में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत इजी अवेलेबल हो जाते हैं होटल्स के रूम, और जिनका रेंट है 700 से लेके 1500 तक। और जो आपको बंगलो या कॉटेज वगैरह अच्छे रिसोर्ट में चाहिए तो आप ओल्ड महाबलेश्वर की तरफ जा सकते हैं, और वहाँ पे बंगलो बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पर जाके आप रह सकते हैं। महाबलेश्वर में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मार्केट में पूरे खाना आपको मिल जाता है, साउथ इंडियन फूड, मराठी फूड, महाराष्ट्रियन फूड यानी कि पंजाबी फूड, सारे तरह के फूड यहाँ अवेलेबल हैं, और आप इजीली कोई भी अपनी पसंद का फूड चुन सकते हैं। महाबलेश्वर जाना जाता है अपनी स्ट्रॉबेरी, मलबेरी, गूसबेरी फ्रूट्स, बहुत सारे जैम वगैरह यहाँ बनते हैं, और ये ज़रूर वहाँ पे जाके एंजॉय कीजिए। और वहाँ के भुट्टे बहुत फेमस हैं, आप भुट्टा यानी कि कॉर्न ज़रूर खाएं और स्ट्रॉबेरी ज़रूर एंजॉय कीजिए। वहाँ पहुँचकर आपको लोकल घूमने के लिए जो प्राइवेट टैक्सी करनी है तो आपको आराम से 500-600 में मिल जाती है। आपको दूर जाना है तो उसका चार्ज अलग होगा, और आप पूरा दिन घूम सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको बाइक और स्कूटी भी रेंट पे अवेलेबल है, जिस पे आप आराम से घूम सकते हैं। पंचगनी स्टार्ट होते ही देखे बारिश चालू हो गई है। वैसे तो पूरा साल यहाँ पे आया जा सकता है, हमेशा ही वेदर बहुत ही खूबसूरत रहता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट मौसम है जो वो है सितंबर से जून तक, और ये बहुत ही खूबसूरत रहता है तब। और जुलाई अगस्त में काफ़ी बारिश का टाइम रहता है, इस वक्त यहाँ पे ना आए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप कोई पॉइंट पे नहीं जा सकते, बहुत घूम भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए। घूमने की बात करें तो सबसे पहले ओल्ड महाबलेश्वर, जो कि 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे महाबलेश्वर का मंदिर है, जो महाबली मंदिर है, जिसके नाम पे महाबलेश्वर का नाम पड़ा है, ये देखिए। और यहाँ पे है पंचगंगा मंदिर, पंचगंगा मंदिर जो पांडवों ने बनाया है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे ज़रूर जाएं, बहुत ही इंजॉय करेंगे यहाँ पे जाके आप। और ये मंदिर बहुत ही बढ़िया मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की खासियत है कि यहाँ शिवलिंग है जो 6 फीट है, और 6 फीट लंबा है यहाँ पे शिवलिंग, और मंदिर की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत पुराना है और बहुत ही सुंदर है। और पंचगंगा मंदिर में नदियों का पानी आता है, जो 3 लेक्स हैं यहाँ पे महाबलेश्वर की, ये उसका रास्ता है और अंदर तक जाता है, और बहुत ही सुंदर है ये भी। महाबलेश्वर में आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, उसमें से जो फेमस पॉइंट्स हैं वो हैं, एक आर्थर पॉइंट है, और यहाँ पे नदियाँ बहुत सारी हैं, और टाइगर पॉइंट भी है, और प्रतापगढ़ का किला है यहाँ पे, लाडविक पॉइंट है। सबसे फेमस जगह है वो वेरना लेक है, जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। बारिश के दिनों में ये बोटिंग बंद रहती है। और यहाँ पे एक है लिंग माला वाटरफॉल,
जहाँ पे आप जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। और जो लेक व्यू है वो बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे ये सारी मार्केट है जहाँ पे आप भुट्टे का स्वाद ले सकते हैं, घुड़सवारी भी कर सकते हैं। मार्केट से निकलने के बाद आप सुंदर सुंदर नज़ारे देखने के बाद पहुँच जाते हैं मैप्रो गार्डन में। मैप्रो गार्डन भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जहाँ पे आपको कैंडी जैम, स्ट्रॉबेरी क्रश वगैरह और फ्रेश स्ट्रॉबेरी, और यहाँ पे फैक्ट्री भी लगी है जहाँ पे कैंडी चॉकलेट वगैरह सब बनती हैं। और यहाँ का नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे अंदर एक रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप हर चीज़ का स्वाद ले सकते हैं, पिज़्ज़ा से लेके पास्ता, कॉफ़ी, हर चीज़ आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। और मैप्रो गार्डन पूरा घूमने के बाद आपको लगेगा कि पूरा महाबलेश्वर ही यहाँ पे आ गया है, और यहाँ के फूलों की खूबसूरती और गार्डन की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें।